लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सांसद राजन विचारे ने आज घनसौली से ऐरोली के बीच अधूरे पड़े पाम बीच रोड का दौरा किया। उनके साथ नवम्बई के मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर समेत कई उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। वर्ष 2009 से ही घनसौली से आगे का यह पाम बीच रोड अधूरा पड़ा है, जिस पर तकरीबन 3200 मीटर लंबा पुल बनाने की तैयारी है। यह पुल मुलुंड ऐरोली टोल मार्ग को जोड़ेगा, वहीं ऐरोली कटाई के बीच प्रस्तावित उड़ान पुल के लिए संपर्क मार्ग का काम भी करेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। नवम्बई का दूसरा पाम बीच मार्ग अब पूरा होने वाला है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले एकाध साल में घनसौली तक बनकर रुका हुआ पाम बीच मार्ग इस उड़ान पुल के जरिए ऐरोली से सीधे जुड़ जाएगा। आज शिवसेना सांसद राजन विचारे ने मनपा आयुक्त वन और कांदल वन अधिकारियों के साथ इस प्रस्तावित पुल और अधूरे पड़े पाम बीच मार्ग का दौरा किया। 2009 में घनसौली से अधूरे पड़े पाम बीच मार्ग पर पहले 1.94 किलोमीटर का ब्रिज बनने वाला था। इसके निर्माण में बड़े पैमाने पर मैंग्रोव का नुकसान हो रहा था, फलस्वरूप इसका प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। लेकिन अब इस पाम बीच मार्ग पर 3200 मीटर का पुल बनाने की तैयारी है। चार लेन वाले इस पुल के निर्माण पर 800 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है। यह पुल मुलुंड ऐरोली टोल मार्ग को जोड़ेगा, वहीं ऐरोली कटाई के बीच प्रस्तावित उड़ान पुल के लिए संपर्क मार्ग का भी काम करेगा। इस पुल के बन जाने से जहां थाने बेलापुर हाईवे पर होने वाली यातायात जाम कम हो सकेगी, वहीं थाने और मुंबई की ओर आने जाने वाले यात्रियों और वाहन चालकों का भी समय बचेगा। इस बारे में सांसद ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। घनसौली ऐरोली जो कित्येक वर्षाचा रेंगाळलेला प्रकल्प, ज्याच्याकडे कोणाचंही लक्ष नव्हतं, जवळजवळ 1100 कोटी रुपये खर्च करून सिडकोने हा रस्ता त्यावेळेला तयार केला होता, परंतु तिथे कोणी लक्ष न दिल्याकारणाने MCZM किंवा तुमचे कांदळवनांचा जो हे आहे, या बाबतीमध्ये कुठे आम्ही, मला वाटतं 2016 पासून त्याचा पाठपुरावा करतो आम्ही सर्व मंडळी, आणि आता त्याचे कुठे त्याचा क्लिअरन्स आता येत आहे। मी खास करून इथे आयुक्त साहेबांना धन्यवाद यासाठी देईन की 2016 800 कोटीचा हा जो ब्रिज होता, ह्याचा खर्च अपेक्षित होता, आणि तोच ब्रिज आज आपण जे करतो आहे 372 कोटी रुपयामध्ये हा आता प्रस्तावित आपण केलेला आहे, आणि त्याच्यामध्ये जो 3.473 एवढा एक्सटेन्शन ह्याच्यामध्ये आपण तो ब्रिज जो काटईचा जो ऐरोली ते काटई ह्या जंक्शनला सुद्धा आपण ह्या जॉईन करतो आहे, म्हणजे ॲडिशनल काम घेऊन प्लस तो ब्रिज एलिव्हेटेड असा संबंध करत आपण 372 कोटीला हा ब्रिज केला, म्हणजे 2016 800 कोटी आणि आता 2021 आपण हे 372 कोटीमध्ये हा प्रस्ताव हे केला। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।